सो हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो एक्सपेरिमेंट एक्स्ट्रा में आपका स्वागत है। सो आज की इस वीडियो में मैं इस कार को आप जो अपडेट करके दिखाऊंगा, तो मैं इसको जो है इसमें 3 वोल्ट ना देकर उसमें 6 वोल्ट दूंगा, तो उसकी वजह से गाइस इसकी जो पावर है बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, तो उसकी वजह से इसकी फास्ट चलेगी। तो पहले गाइस आप इसकी जो है स्पीड देख लीजिए कि इसकी स्पीड जो है कितनी है। आपने देख लिया इसकी स्पीड, तो चलिए मैं इसको जब पहले अपडेट कर लेते हैं। तो उसको मैं इसको खोल लिया था और ये देख सकते हो इसकी बैटरी 2200 mAh की, तो मैं एक बार आपको उसको चलाकर दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो गाइस चल रही है, तो इसकी स्पीड गाइस बहुत कम है। तो इसमें गाइस हमको ये गाइस 4.2 वोल्ट देता है फुल चार्ज होने पर, तो हमको जो है 8.4 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी दो। तो गाइस हम जो लिपको बैटरी लगाएंगे, और गाइस ये जो मेरी IC थी जो गाइस यहाँ से निकल गई थी, तो मैंने अलग से गाइस यहाँ पर मैंने इसको जो वायर से जॉइंट कर दिया है, तो यहाँ पर मेरी निकल गई, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर गाइस आपकी जो IC यहाँ लग रही है, तो आप पे उसको जो है आप पे हीट सिंक जरूर लगानी है, ताकि गाइस वो गाइस हीट होगी तो गाइस निकल नहीं जाए वहाँ से, तो आपको हीट सिंक जरूर लगानी है। तो आप देख सकते हो, तो सबसे पहले गाइस मैं इसको जो क्लिप को उठा लेता हूँ, फ्रेंड्स आपको मैं बैटरी दिखा देता हूँ। तो इन बैटरी का गाइस मैं यूज़ करने वाला हूँ, और लिपको बैटरी है गाइस, ये लिथियम आयन बैटरी, लिपको है गाइस, लिथियम नहीं है ये। और ये देख सकते हो, और इनको सीरीज़ में करने के लिए गाइस मैं जो है इनको जो है जंपर पिन का यूज़ करूँगा, और मैंने जो है इनको सीरीज़ में कर रखा है, तो मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। तो ये गाइस दो मैंने सीरीज़ में कर रखे हैं, और ये गाइस 8.4 वोल्ट फुल चार्ज होने पर देते हैं, तो इनको लगाने वाला हूँ। और इनको गाइस चार्ज करने के लिए मैं BMS लगाने वाला हूँ, और गाइस इनको हम इसके अंदर फिट नहीं करेंगे इसको, तो यहाँ पर हम गाइस सॉकेट निकालेंगे, तो मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस इस सॉकेट को मैं जो यहाँ पर मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो सबसे पहले गाइस मैं अगर गाइस आपको इस चीज़ से झंझट नहीं चाहिए, तो गाइस आप जो है इसमें जो है 9 वोल्ट की बैटरी आती है, तो गाइस उसका आप जो है इसमें जो यूज़ कर सकते हो। पर गाइस 9 वोल्ट की बैटरी गाइस ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, और इनको जो गाइस हम बार बार चार्ज कर पाएंगे, पर गाइस ये कॉस्टली पड़ेंगी बैटरी, और ये भी कॉस्टली गाइस। और गाइस अगर ऐसा ये झंझट नहीं चाहते तो गाइस आप 9 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हो गाइस, आपका जो है रिसीवर फूकेगा नहीं, पर गाइस आप उससे जो है 9 वोल्ट से ज़्यादा मत देना, ये तो गाइस वो फूक सकता है। तो सबसे पहले इसको जो है यहाँ पर मैं फिट कर लेते हैं, तो देख सकते हो गाइस मैंने जो इसके कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको जो BMS के कनेक्शन करने पड़ेंगे, तो गाइस इससे हम जो है बाहर सॉकेट लगाने वाले हैं, तो गाइस इसको जो है बाहर से जो है सॉकेट आप जो इस टाइप से लगा कर उसको चार्ज कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस मैं इसके जो कनेक्शन आपको बता देता हूँ, पहले गाइस मैं कर लेता हूँ फिर मैं आपको बता दूँगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने जो कंप्लीट कर लिया गाइस, ये दो वायर हैं गाइस ये जो यहाँ पर मैं कनेक्ट हो जाएंगे इसके सप्लाई में। और गाइस ये जो है ये 0 वोल्ट, ये 4.2 वोल्ट जो मैंने सीरीज में करे हैं, ये 8.4 वोल्ट, और यहाँ पर मैं आप दिखा देता हूँ। तो ये 0 वोल्ट, 4.2 वोल्ट, 8.4 वोल्ट, और गाइस ये जो है 12.6 वोल्ट को आपको छोड़ देना है, तो ये कनेक्ट करना है। तो ये गाइस इसमें जो है सॉकेट कनेक्ट करूँगा, तो चलिए जो बैटरी है यहाँ पर फिट कर लेते हैं। देख सकते हो मैंने जो इनको जो है यहाँ पर फिट कर लिया है, और ये देख सकते हो एंटीना, ये देख सकते हो, और यहाँ पर मैं जो है मैंने बैटरी लगा दी सीरीज़ में, और यहाँ पर मैं गाइस मैं सॉकेट लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने वायर निकालने के लिए मैंने जो है यहाँ पर होल कर लिया है, और ये देख सकते हो सॉकेट, तो मैं कुछ स्टेप से लगाने वाला हूँ। और इसको लगाने से पहले गाइस यहाँ पर आपको जो रब कर लेना है, ताकि इसकी जो है पकड़ अच्छे से हो जाए। तो चलिए इसके गाइस कनेक्शन में जो है यहाँ पर मैं कर लेते हैं। आप देख सकते हो मैंने जो इसके सारे कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, और यहाँ पर मैंने जो सॉकेट लगा दिया है, तो मैं आपको ये बार दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो BMS में भी मैंने जो है कनेक्शन कर दिए हैं, और यहाँ पर हम जो इसको 12 वोल्ट देंगे, तो ये जो बैटरी को चार्ज करेंगे, तो एक बार सॉकेट को मैं लगा कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं देख सकते हो सॉकेट लग चुकी है, और यहाँ से आप जो इजीली इसको निकाल सकते हो चार्ज करने के बाद। तो ये देख सकते हो आपका कनेक्शन बैटरी का, ये IC है,
और यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच है। तो चलिए इसको जो मैं आपको एक बार चला कर दिखा देता हूँ यहीं पर, तो आप देख सकते हो। शुरुआत में आप इसकी जो है स्पीड को देखना और अब देखना गाइस, तो आप देख सकते हो कितनी हाई हो गई है, तो देख सकते हो। और इसकी मैं जब करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो फास्ट हो गया है। तो चलिए इसको जो है ऊपर का इसका जो ढक्कन लगा के इसको जो है फिट कर देते हैं। और चलिए मैं इसको जो आपको बाहर चलाकर दिखाता हूँ फ्रेंड्स। सकते हो गाइस जिसकी स्पीड बहुत फास्ट हो गई है और ये ड्रिफ्ट वगैरह भी मार रही है, तो आपके सामने बिल्कुल लाइव। और देख सकते हो इसकी स्पीड गाइस बहुत इंक्रीज हो गई है इसकी स्पीड। और गाइस इसकी जो स्टीयरिंग है गाइस वो स्टेबल नहीं है, तो इसकी वजह से गाइस ये जो है इधर उधर जा रही है। तो वैसे गाइस बहुत अच्छे तरीके से जो है चल रही है, तो आप इसको जो है स्पीड आप जिसकी गेन कर सकते हो। कर देना, चैनल पे नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।